तो सूट में भी आता है। रहने देते यार, अब कितना ही अरी कर सकते हैं ना। हे गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, की अंजिता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बता दूं कि यार गिल्ड वॉर के रिवॉर्ड्स के भाई क्या सिस्टम आ चुके हैं। न्यू सिस्टम आया हुआ है, बहुत लोग कंफ्यूज हैं। मैंने सोचा चलो इस पे वीडियो बना देता हूँ। उससे ऊपर यहाँ पे सिर्फ गिल्ड वॉर के लिए यहाँ पे कुछ तुम्हें कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें सब कुछ समझा देता हूँ। लाइक फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर तुम्हें लिखा हुआ, ओनली बाई ज्वाइनिंग एसोसिएशन कैन बी द क्वालिफिकेशन। मतलब यार गिल्ड वॉर ज्वाइन आई मीन गिल्ड ज्वाइन करोगे तभी तुम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नो प्लेयर कैन क्विट द, हाँ हम लोग गिल्ड जब वॉर चलता रहता है तब उसके बीच में कोई भी गिल्ड ना एस्केप नहीं कर सकता, क्विट नहीं कर सकता, ऐसा कुछ, या फिर निकाल भी नहीं सकता कोई भी बॉस किसी भी गिल्ड मेट्स को, ठीक है। देन अबाउट ऑफ टाइम, अच्छा हम लोगों के पास ओनली 10 चांसेस रहते हैं भाई यहाँ सबसे। ऑफ कोर्स मैंने ये सारा पॉइंट्स पढ़ा हुआ, ठीक है। इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भाई 5 ही हमें अवार्ड मिलेंगे। आई मीन हम लोग इतने सारे जिस भी फर्स्ट गिल्ड बॉस पे हम लोग रैंक अप करेंगे लाइक 5 पे, उन्हीं पे हमें को मिलने वाला है। लाइक 10 पे करोगे तो नहीं मिलेगा, पता नहीं ये फंडा कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि देखो यहाँ कुछ कंफ्यूजिंग है, ये सिर्फ 5 ही गिल्ड बॉसेस पे हमें रिवॉर्ड मिल सकते हैं और उसके अलावा और नहीं मिलेंगे भाई, ये अजीब है थोड़ा सा। ऑलराइट, मैं यहाँ पे तुम्हें अच्छे से गिल्ड बॉस पे डैमेज देना सिखाता हूँ जिससे तुम्हें अवार्ड मिल सकते हैं, गिल्ड रिवॉर्ड आई मीन टू से। भाई ये बहुत ही सही चीज़ है, मजाक नहीं। हर वीक अगर ऐसा रिवॉर्ड मिलता रहे ना तो भाई गेम ना भाई बहुत पीक पे आ जाएगी तुम्हारे, तुम लोग बहुत सही खेल पाओगे। लाइक मैं तुम्हें अब समझा देता हूँ सब कुछ अच्छे से। आ जाते हैं गिल्ड पे। ऑलराइट, यहाँ पे तुम्हें दिखता होगा, अच्छा एक और चीज़ तो तुम्हें अच्छे से पता ही है कि A19 सर्वर से जितने भी सर्वर्स हैं वो सब अलग हो जाएंगे, हो चुके हैं, और बाकी के जो ओल्ड सर्वर्स थे वो सब एक हो चुके हैं। सो गाइज, मेरा जो एक टारगेट है लाइक मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एथेरम, ये रहा एथेरम, नहीं सॉरी एथेरम नहीं, कहाँ गया एथेराउस ने, विंटर माउंट, हियर इट इज विंटर माउंट। और विंटर माउंट पे देखो गाइज सबेली है, सबेली पर पता है क्या है भाई, इवेंट आइटम्स और बंदे लोग। यहाँ पोकेटाउन का यहाँ पे डैमेज पड़ा हुआ है, मैं भी दे देता हूँ। मेरे ख्याल से ऑफकोर्स इस पर आएंगे ही पोकेटाउन वाले, मतलब मेरे गिल्ड वाले आएंगे ही। I don't know, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। ऑलराइट, मैं इसी पे करता हूँ, मुझे ये चाहिए। सो मैं कैसे करता हूँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। सवेली विंटर माउंट पे था, पहले विंटर माउंट खोजो। अब हमें किसी भी बॉस पे जाने की जरूरत नहीं, उससे फाइट वाइट करने की कोई जरूरत नहीं। ये रहा, इस पे चलते हैं। 88 इवेंट आइटम्स, भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, 88 इवेंट आइटम्स। मेरे पति तो 310 है, अगर यहाँ से मुझे 88 मिल गया और 10-20 में जुगाड़ कर लिया 400, भाई मैं तो कहता हूँ कि 12,000 में जो हमें अल्टीमेट पोकेमॉन्स मिलते हैं ना इवेंट इवेंट में, भाई हम लोग बाई कर सकते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो बेस्ट बनाओ अपने गिल्ड को, ठीक है। और इस पे देखो कैसे सही से सिलेक्ट करते हैं, लाइक यहाँ पे तुम्हें अपने किसी 3 पोकेमॉन, ये स्लॉट, ये देखो स्लॉट, अभी मैं स्लॉट अनलॉक करने वाला, मेरे पास 0 पैसेज है, ठीक है। मैं कम से कम 2 स्लॉट अभी अनलॉक करूंगा, ज्यादा किस्त से भी नहीं खर्च कर सकता, बाद में देखता हूँ क्योंकि मुझे किस्त के बहुत काम है। ऑलराइट, यहाँ शॉप में आते हैं और बहुत बंदे लोगों को ना हिचकिचाहट हो रही है कि इसको भाई बाई करने का फायदा, ऑफकोर्स है फायदा भाई, रुक जाओ 9 एक ही बार में करता हूँ। हाँ ये हो गया 9। अच्छा गाइस, मुझे ये देखना था कि एक जगह जहाँ पे स्लॉट में अनलॉक कर रहा हूँ क्या सभी गिल्ड बॉसेस पे वो अप्लाई हो रहा है। एक मिनट, पहले विंटर माउंट पे चलता हूँ, यहाँ से नहीं यहीं से करना पड़ेगा मुझे। तो विंटर माउंट ये रहा, एंड इस पे एडजस्ट फॉर्मेशन करते हैं। एंड सबसे बेस्ट पोकेमोन्स हु हैज बहुत ज्यादा पावर तुम्हारा, ठीक है, उसको डाल दो। लाइक इसको ले लेते हैं, और मेरा म्यूटू किधर गया, म्यूटू ये रहा, और मेरा पालकिया किधर गया, पालकिया 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 ये रहा गाइस, इनको मैं बैरी पता नहीं क्यों दे रहा ये लोग, आई थिंक सो ये लोग ये पोकेमोन ऑटोमेटिक एआई टेक्नोलॉजी से लड़ेंगे क्या। ऑलराइट, अच्छा यार मैंने अनलॉक नहीं किया, अबे यार थक, अनलॉक करना था मुझे। ओह वाओ, अनलॉक हो चुका है गाइस। इस पे मैं अपने 6 के 6 पोकेमोन डाल दूंगा, लाइक मैं जो टीम में यूज करता हूँ वो टिनो टिनो डालने वाला हूँ। 1 2 1 2 3 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
नहीं डार्क लाइन डालूंगा 5 5 5। अरे ये रहा, नहीं इससे इसका इसका ज्यादा नहीं है अभी, इससे ज्यादा तो इसका है। कहाँ गया, मैंने इसका डाल दिया, हाँ सब डाल दिया है। और अभी अभी और बहुत सारे, ये रहा इसका भी डाल सकता हूँ। हाँ और कोई है नहीं। अब गाइस इसको मैं कर लेता हूँ
एक इसको भी अनलॉक कर सकता हूँ, कर लूँ क्या, नहीं रहने देता हूँ अभी फिलहाल, मुझे काम है ठीक है। और राइट गाइस, यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लिया। देखो अगर सबसे बड़ा चीज़, बंदे लोग क्या होता है ना, गलती से ना क्या करते हैं, उसके गिल्ड मेंबर्स ने बताया कि विंटर माउंट पे रेड करना है, लेकिन तुमने कर दिया है फॉक्स टाउन पे। तो कोई बात नहीं, विंटर फॉक्स टाउन से तुम क्या कर सकते हो, लाइक मैं एक करके दिखाता हूँ ठीक है। यहाँ पे मैं किसी भी एक पोकेमोन को डाल लेता हूँ, इसको डाल लेता हूँ ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने डाल दिया, ये हो चुका है यहाँ पे ठीक है। अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा मेन टीम तुमने कहीं गलती से कहीं और जो है डाल चुका है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आओ वापस एडजस्ट फॉर्मेशन में जाओ। ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, बस इसको हटा दो। हाँ, भले ही तुम्हें इसके जगह पे कोई और पोकेमोन डालना पड़ेगा, जैसे कि तुम इसको डाल सकते हो, बस डाल के सेव कर दो। अगेन तुम चेक करोगे ना तो वो पोकेमोन वहीं दिखेगा, ये देखो है ना। तो इससे क्या कर सकते हो भाई, तुम्हारा जो गिल्ड बॉस का जो डैमेज है, जो मेन टीम है, तुमने कहीं और रख लिया है, तो तुम अपने सही जगह पर यूज कर सकते हो ठीक है। ये चीज हो गया अपना गिल्ड वॉर का। और भाई जैसे कि अपने पास 10 चांसेस, लेकिन यहाँ बोला गया है गेम के अकॉर्डिंग कि यार तुम लोगों को 5 चांसेस ही मिलेंगे। लाइक यहाँ पे पालकिया पे रेड करा जा रहा है और मेरे टीम गिल्ड वाले लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, सो मैं यहाँ पे रेड कर सकता हूँ। लाइक मैं, मेरे पास अब स्लॉट्स है अच्छे खासे, सो मैं चाहूंगा कि मेरे कुछ पोकेमोन्स अच्छे पावर वाले यहाँ पे भी ऐड कर दूं, ताकि ये आराम से मैं खेल सकूं। लाइक और कौन कौन सा डालूं, अरे यार भाई पोकेमोन्स तो बहुत सारे हैं भाई, यहाँ दिखा क्यों नहीं रहे। इसको डाल लेते हैं, और ये भी बहुत अच्छा पोकेमोन देख रहा हूँ, इसका भी अच्छा खासा पावर होगा, 60 हो गई। इसको डाल लेते हैं, हाँ भाई क्यों चांस ले है ना। ऑल राइट, ओ और भी तो है, ये मैं अपने सारे आर्टिस्ट इसमें डाल देता हूँ। अब जब एक ही जगह फाइट कर रहे हैं तो अच्छे से करते हैं। ये मैंने यहाँ पर कर दिया सेव ठीक है, सस्टेन सक्सेसफुली हो चुका हुआ है। और कहाँ पे किया था मैंने, अभी मैं भूल गया गाइस, एथेरियम में किया क्या, पोके टाउन, हाँ इसी में तो किया है। ये रहा डिस्पेंसरी, अरे यार ये बहुत गुस्सा दिला रहा मुझे, वहीं से क्यों नहीं दिला रहा, देखने को दे ही नहीं रहा वहां से, यहाँ से नहीं। ये वो थर्ड ये पे किया, पालकिया पे किया था मैंने। अबे गाइस ये क्या हो रहा है, दिखा क्यों नहीं रहा, आई डोंट नो। अच्छा रुको एक मिनट, सबेली पे जो मैंने मान लो पोकेमोन जो रखा है, ये देखो इस पे जो पोकेमोन रखे हैं, लाइक ये डिस्पेंसरी, सबेली 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 सबेली, अरे यार सबेली कहाँ चला गया, सॉरी गेल यू विंटर माउंट पे ना, यहाँ कहाँ गया, विंटर माउंट विंटर माउंट विंटर माउंट विंटर माउंट, यार ये बहुत मुश्किल हो गया खोजना कसम से, वहीं से डायरेक्टली करने में क्यों नहीं देता ये लोग, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता रहता है। ये रहा विंटर माउंट, ये रहा एडजस्ट फॉर्मेशन ठीक है। ये देखो यहाँ मेरे पोकेमोन है, मैं इन सबको चेंज भी कर सकता हूँ, लाइक मैं अपने चाहूँ तो अपने क्योंकि अगर हटा के दूसरा कोई पोकेमोन डाल सकता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे वही अभी वहाँ पे चाहिए। सो अगर तुमने कहीं और डाल दिया तुम्हारे पोकेमोन, तो आराम से तुम निकाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अबे कहाँ गया, क्योंकि ये रहा ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मैंने तो ये लगा दिया भाई, अब मैं सोच रहा हूँ ना कोई और ऐसा, लाइक यहाँ पे देखो मेरे गिल्ड मेट्स ने जहां जहां पे डैमेज दिया होगा ना, यहाँ दिखाएगा, एक मिनट यहाँ दिखाएगा, देखो कहाँ पे दिया है डैमेज इन लोगों ने, वेनासोर पे दिया है, म्यूट्यू पे दिया है, गाड़ी वे पे दिया है, और देखो परिमरीना पे, पॉपर पॉप बहुत लोगों ने डैमेज दिया भाई, मैं भी दे देता हूँ। एक मिनट यहाँ पे मैं अपने सारे आर2 पोकेमोन डाल लेता हूँ, इसको डाल लेते हैं, इसको डाल लेते हैं, इसको डालूँ क्या, नहीं 5 स्टार वाले को डाल लेते हैं, और इसको भी डाल लेते हैं 5 स्टार वाले को, और भी तो आर2 पोकेमोन थे किधर गए, मैंने खूब सारे आर2 पोकेमोन को ना रीसेट कर डाला है, दिमाग खराब हो गया मेरा, उनको भी करना पड़ेगा R2 इसको, अरे नहीं रहने दो, इसका पावर इतना भी ज़्यादा नहीं है, हाँ इसका अच्छा खासा पावर है, 50 पे हो गई। और कहाँ गया, जैगरेट कर दूँ क्या, नहीं जैगरेट मेरे सूट में नहीं आता, हाँ ये सूट में आता है तो इसका अच्छा पावर होगा। चलो इसको भी डाल दिया मैंने, और देखिए मेरे टीममेट गाइस, जहाँ तुम्हारे टीममेट्स लोग जा रहे हैं ना वहीं जाना, ऐसे तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। एक चीज़ तुम लोगों ने नोटिस किया है गाइस, यहाँ पे ना इन लोगों ने सिर्फ 5 ही टारगेट्स पकड़े हैं, देखो 1 2 अभी तक 2 ही दिखाया है, मतलब जिसपे नंबर्स दिखाएंगे ना उस पर ही उन लोगों ने गया हुआ है। देखो 3rd, 4th, 5th, 6th 6 टारगेट्स में गए हैं, मेरे ख्याल से मुझे इन पे जाना चाहिए, हो सकता है एक बंदे ने इधर उधर कर दिया हो। ऑलराइट ये वेनासोर पे चलते हैं अब। अच्छा वेनासोर पे मैंने डैमेज दे दिया क्या, दिया था पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, ओह याद नहीं है सच में। ऑलराइट टापू फिर डाल लेता हूँ यहाँ पे, और कौन कौन सा, इसको डाल लेते हैं, इसको डाल देते हैं, जितने पोकेमोन है भैया सब डाल दो यार, अब रख के फायदा नहीं है यार, ये पोकेमोन किस काम के जब काम ही ना आए ये सब, है ना। जैक्रोम को डालते हैं यार, जैक्रोम अच्छा खासा यहाँ पे पावर दे देगा। ऑलराइट जैक्रोम दे दिया मैंने, ओह ये इसको डालना पड़ेगा, टापोफिनी का पावर ठीक ठाक है यार, हाँ इसको डाल देते, इसको डाल देते, हो गया। चलो
अभी तक मैंने चार चार यूज कर लिया है ना, कितने चांसेस बचे हुए मेरे पे? 10 चांसेस है, 5 यूज कर सकते। ओ यहाँ पे देखो करंट पावर 160,000 समथिंग है, ठीक है। अच्छा मेरे सबीली वाले पे कितना डैमेज पड़ा गाइस, वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ से अंदाजा लगता है ना, ओ भाई 5,00,000 का पावर पड़ गया, 6 पोकेमोन मैंने डाल दिया था ना, हाँ 6 पोकेमोन मैंने डाला था, 5,00,000 का पावर पड़ गया है। ऑलराइट गाइस, भाई होप सो ये इवेंट आइटम हमें मिल जाए। मुझे लगा सवाल है, ओ बाप रे मैंने इतना सारा क्रिस्टल खर्च कर दिया, 3,000 खर्च कर दिया, बाप रे बाप यार ये तो पता ही नहीं चला मुझे। ऑलराइट यहाँ पे भाई कुछ इवेंट में पोकेमॉन्स है, लाइक मुझे ये अल्टीमेट पोकेमॉन सबसे बेस्ट लगा भाई। मैं तो चाहता हूँ ना कि 12,000 इवेंट आइटम हम लोग कर सकते हैं भाई, मजाक नहीं कर रहे। इस पोकेमॉन को तुम अगर बनाने जाओगे ना तो मुझे लगता है सालों का वक्त लगेगा, और मुझे लगता है कि इवेंट आइटम कलेक्ट करके करोगे तो उससे कम वक्त में तो आराम से तुम इस पोकेमॉन को बाय कर सकते हो, भले इस इवेंट आइटम को तुम सेव करोगे। लाइक मैं बस 310 से लेट्स सी कितना मैं कलेक्ट कर पाता हूँ, 12,000 इवेंट आइटम कर पाता हूँ कि नहीं, आई डोंट नो भाई साहब, ये बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस और मुश्किल होने वाला। कोई बात नहीं, इतना चलता ही है। ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो पे, शुक्रिया, थैंक यू।